हेलो फ्रेंड्स, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज फॉर एच में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे हम अपने कंप्यूटर या पीसी की प्रोसेसिंग स्पीड को कैसे बढ़ा सकते हैं, उसकी एफिशिएंसी को कैसे बढ़ा सकते हैं। उसको बढ़ाने के लिए हमारे पीसी में जो भी जंक फाइल होती है, टेम्परेरी या कैसे जो भी होती है, कोई भी एक्स्ट्रा ऐसी कोई फाइल जो एक बार बन जाती है जो किसी काम की नहीं रहती है, उस फाइल को हटा के और डेटा को मैनेज करके, मतलब कि पीसी में जो भी ड्राइव में डेटा सेव होता है उसको एक व्यवस्थित क्रम में रख के हम अपने कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड को बढ़ा सकते हैं, उसकी एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप पहली बार चैनल देख रहे हैं या फिर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन होता है, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और उस पर ऑल को सिलेक्ट कर लीजिए, जिससे मेरे कोई भी वीडियो आएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं दोस्तों। नॉर्मली जो होती है हमारे हार्ड डिस्क में डेटा सेव होता है, उसमें डेटा सेव होता है तो उसमें कुछ एक आप देख रहे हैं 0 1 2 3 4 5, ऐसे मैंने कुछ ले लिया एक बार, ये पूरी जो मेमोरी का पार्ट होता है। तो अभी जो है ब्लैंक है, जब नई हार्ड डिस्क होती है कुछ भी डेटा नहीं होता है, वो खाली होती है, तो इस तरीके से होती है। जैसे ही हम उसमें डेटा इंसर्ट करते हैं तो डेटा क्या है वो मेमोरी में इधर उधर कहीं पर भी सेव हो जाता है। जैसे देखिए डेटा जो जैसे 0 नंबर इंडेक्स पे, 4 नंबर पे, 10 नंबर पे, 12 नंबर पे, ऐसे करके इधर उधर बिखर जाता है डेटा, मगर सेव हो जाता है। तो और जो फ्री स्पेस है वो बीच में रह जाता है। तो इससे क्या होता है, हमारे कंप्यूटर की जो एफिशिएंसी होती है वो थोड़ी डाउन हो जाती है। और जब हम डीफ्रेगमेंट करते हैं डिस्क को, हमारी जब डिस्क डीफ्रेगमेंट होगी तो वो क्या करता है, जो भी हमारा डेटा होता है जो इधर उधर बिखरा होता है डिस्क में, उसको व्यवस्थित करके एक सीरीज में कर देता है, जैसे 0 1 2 3 4, ऐसे एक क्रम में व्यवस्थित कर देता है, जिससे क्या होता है फ्री स्पेस अलग हो जाता है और डेटा हमारा अलग हो जाता है। इससे हमारे पीसी की एफिशिएंसी बढ़ जाती है। इसको हम कुछ इस तरीके से भी देख सकते हैं। ये देखिए जैसे अलग अलग बिखरा हुआ है, ये पूरा डेटा है, ये ब्लैंक स्पेस है, डार्क जोन जो भी कुछ बनाया है इसमें डेटा इधर उधर भी अस्त व्यस्त है। इसको डीफ्रेगमेंट करने के बाद में ये पूरा जो ब्लू ब्लू आप देख रहे हैं, ये पूरा डेटा है वो एक तरफ हो जाएगा, रेड एक तरफ हो जाएगा, मतलब पूरा व्यवस्थित हो जाएगा। इससे हमारे पीसी की एफिशिएंसी बढ़ेगी। इसको हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि हम प्रैक्टिकली इसको कैसे कर सकते हैं। प्रैक्टिकली करने के लिए सबसे पहले हमें अपने पीसी को ओपन करना है। ओपन करने के बाद में हमें कोई भी ड्राइव को सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक करेंगे और लास्ट में जाएंगे प्रॉपर्टीज में। जैसे ही हम प्रॉपर्टीज में जाएंगे तो जनरल टैब में डिस्क क्लीनअप ऑप्शन आता है। डिस्क क्लीनअप से जो भी डिस्क में अननेसेसरी फाइलें होती है, जंक फाइलें, कैसे फाइलें या टेम्प्रेरी कोई फाइल मिल जाती है, उनको हम डिलीट कर सकते हैं। इनको हम चेक करके ओके बटन में क्लिक कर दें, ये मैसेज पूछेगा कि आप इसे परमानेंट डिलीट करना चाहते हैं, तो हमें डिलीट फाइल करना है। तो इससे डिस्क क्लीनअप हो जाएगी। और डिस्क क्लीनअप करने के बाद हमें जो दूसरा टैब है टूल, इस पर हम क्लिक करेंगे। टूल पे क्लिक करेंगे तो ये दूसरा जो ऑप्शन है, ऑप्टिमाइज एंड डीफ्रेगमेंट ड्राइव, ऑप्टिमाइज योर कंप्यूटर ड्राइव कैन हेल्प इट रन मोर एफिशिएंसी। इससे हमारा कंप्यूटर जो है काफ़ी एफिशिएंसी से काम करता है, तो ऑप्टिमाइज में हम क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम ऑप्टिमाइज में क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव सब
इसमें शो हो रहा है। जिस ड्राइव को हमें ऑप्टिमाइज करना है उस ड्राइव को हम क्लिक करके ऑप्टिमाइज कर दें। ऑप्टिमाइज करने से एनालाइज होके ये प्रोसेसिंग चलेगी और फिर ये डी फ्रेगमेंट के लिए तैयार हो जाएगा। एनालाइज कर देंगे, ये डी फ्रेगमेंटेड हो चुका है। ऐसे हम ई ड्राइव करेंगे, इसको ऑप्टिमाइज करेंगे, ऑप्टिमाइज होके ये भी डी फ्रेगमेंट हो चुका है। सी ड्राइव को भी करेंगे, मगर सी ड्राइव में काफ़ी टाइम लगता है, तो जब तक ये पूरा डी फ्रेगमेंट नहीं होता है तब तक आपको कुछ नहीं करना है और टाइम टाइम पे आपको डी फ्रेगमेंट अपना पीसी करते रहना चाहिए, जिससे इसकी एफिशिएंसी बनी रहे, आसानी से काम करते रहे, जिससे हैंग वाली प्रॉब्लम आपके नहीं आएगी। और उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको समझ में भी आया होगा। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कीजिए। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।